नमस्कार दोस्तों, आप सभी का गौतम इस रेसिपी में फिर से स्वागत है। आप सब कैसे हो दोस्तों? तो चलिए मैं आपके लिए एक नई रेसिपी, इंस्टेंट रेसिपी लेके आई हूँ। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बताना चाहूँगी, अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, ताकि मैं ऐसी और नई नई चीज़ें आपके लिए रेसिपी लेके आ सकती हूँ। तो रेसिपी देखने से पहले आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। चलो अब रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो मैंने पैन में एक चम्मच ऑयल लिया है। ऑयल गर्म होने के बाद यहाँ पे मैंने ऐड किया है राई एक चम्मच। राई गर्म होने के बाद मैंने कड़ी पत्ते ऐड किए हैं 2 से 3। भुनने के बाद मैंने यहाँ पे एक मीडियम साइज़ का बारीक प्याज कट करके इसमें ऐड किया है। हमें हिलाते रहना है। सुनहरा कलर आने के बाद मैंने इसमें ऐड किया है लहसुन 2 से 3 कली बारीक चॉप की हुई, ऐड करना है। अच्छे तरीके से भून लेना है। सुनहरा कलर आने तक हमें ये भूनते रहना है। उसके बाद इसमें हम ऐड करने वाले हैं एक मीडियम साइज का लाल टोमेटो, बारीक चॉप करके इसमें ऐड करना है और तेल में भूनते रहना है। ये रेसिपी बहुत झटपट बनने वाली है दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं लगता है। ज़्यादा से ज़्यादा इसको बनाने में 5 से 10 मिनट का समय लगता है। घाटी से उसकी भाजी जो है, आप ध्यान से देखिएगा कैसे बनाते हैं। घर में तो सेव पड़ी रहती है, हमें नाश्ते में चाहिए, हमें खाने के लिए टाइम पास के लिए सेव चाहिए, तो हम सब्ज़ी क्यों नहीं बना सकते हैं? तो आप जब ट्राई कर सकते हो दोस्तों, मैं आपको जो रेसिपी बताने वाली हूँ बहुत सारे रेसिपी बनाते हैं घाटी सेव की सब्ज़ी, लेकिन किसी किसी की जो सब्ज़ी है वो सेव जो है वो पानी में मिल जाता है, और जो घाटे सेव की सब्ज़ी है वो ग्रेवी में बदल जाती है। तो प्रॉपरली घाटे सेव की सब्ज़ी कैसे बनाते हैं आज मैं आपको बताने वाली हूँ। इसमें ऐड किया है मैंने 1 चम्मच हल्दी पाउडर, छोटा चम्मच लेना है। उसके बाद में 1 चम्मच बड़ा कांदा लहसुन मसाला ऐड किया है। धनिया पाउडर थोड़ा सा, आधा चम्मच हमें इसमें ऐड करना है स्वाद के लिए। धनिया पाउडर ऐड करने से जो सब्ज़ी को बहुत अच्छा फ्लेवर मिल जाता है। उसके बाद हम इसमें ऐड करने वाले 1 चम्मच नमक, स्वाद अनुसार नमक ले सकते हो, हम थोड़ा कम यूज़ करते हैं। मिश्रण हमें चम्मच से हिलाते रहना है। भूनने के बाद हमें गैस जो है फ्लेम मीडियम रखना है। फास्ट रखोगे तो आपका मसाला जल जाएगा। मैंने मीडियम फ्लेम पे चम्मच से भून रही हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे आधा ग्लास पानी ऐड किया है। जितना आपके पास घाटी सेव है उसके अकॉर्डिंग हमें पानी इसमें ऐड करना है। आधा पाव मुझे यहाँ पे घाटी सेव ऐड करना है, तो उसके लिए मैंने 1 छोटा ग्लास पानी ऐड किया है। लास्ट में मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ बारीक कटी हुई धनिया। हमें पानी को उबाल लाना है। अच्छे से उबलने के बाद हमें इसमें घाटी सेव ऐड करना है दोस्तों। दोस्तों आप देख सकते हो हमारे ग्रेवी को जो है बॉईल आ चुका है। अच्छी तरीके से बॉईल होने के बाद हमें इसमें ऐड करना है घाटी सेव। मैंने यहाँ पे आधा पाव घाटी सेव लिया है। घाटी सेव ऐड करने के बाद हमें तुरंत फ्लेम बंद कर देना है। चम्मच से थोड़ा हिलाना है दोस्तों, और थोड़ा सा एक प्लेट ढक के रख देना है। मैंने आपको दिखाना चाहती हूँ इसलिए प्लेट ढका नहीं है दोस्तों।
तो हमारी जो सब्ज़ी है घाटी सेव की वो बनकर तैयार हो चुकी है। आप इंस्टेंट अगर आपको टाइम नहीं है तो ये रेसिपी आप ट्राई कर सकते हो टिफ़िन के लिए, बच्चों के लिए। रेसिपी देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू, फिर मिलेंगे।